सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी फ्लेवर्स को और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कमल ककड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो कमल ककड़ी, 3 प्याज ग्राइंड किए हुए, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन ग्रेट किए हुए, 3 टमाटर ग्राइंड किए हुए, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच पिसा धनिया, 1 छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च, 3 बड़े चम्मच तेल। सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे तेल। तेल के गर्म होते ही इसमें डालेंगे प्याज ग्राइंड किए हुए। थोड़ी देर प्याज को भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन ग्रेट किए हुए, अच्छे से भून लेंगे। इसके सुनहरा होने पर डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे पिसा धनिया, नमक और गरम मसाला और इन सबको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे टमाटर ग्राइंड किए हुए, अच्छे से भून लेंगे। कमल ककड़ी को खरीदते समय ध्यान रखें कि ये दोनों साइड से बंद होने चाहिए। जो दोनों साइड से बंद होती हैं वो गंदी नहीं होती अंदर से। मसाले ने तेल छोड़ दिया है, मसाला भुन गया है। इसमें डालेंगे कमल ककड़ी। अब इसे 2 मिनट के लिए कमल ककड़ी के साथ भूनेंगे। कमल ककड़ी को बराबर पीसेस में काटें ताकि एक जैसे गल जाएं। अब इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे। और डालेंगे आधा कटोरी पानी और 2 सीटी लगने तक पकाएंगे। अब कमल ककड़ी को चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से देखिए गल गई है। कमल ककड़ी तैयार है।